वेलकम बैक दोस्तों। तो रोजाना की तरह 10 बड़ी खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं हम 10 बड़ी खबरों में जेवर एयरपोर्ट के बारे में, जहां पर ग्रेटर नोएडा में आए बिना, ठीक है, पहुंचे बिना जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचाई जाएगी मेट्रो। ये जो मेट्रो है दोस्तों वो बाहर की तरफ से ली जाएगी, ठीक है, ग्रेटर नोएडा से सीधी जेवर एयरपोर्ट तक। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, अगले माह इसका जो प्लानिंग है वो तैयार होने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई गई है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूटी चेन, ये मामला है दोस्तों। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बाइक सवार दो लुटेरों ने बुधवार को दिन दहाड़े अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे, ठीक है, आ रही महिलाओं को निशाना बनाया, और एक लुटेरे ने सेक्टर का पता पूछने के बहाने महिला से सोने की चेन झपट ली। तो ये ग्रेटर नोएडा का दोस्तों मामला है, वहाँ पर ऐसे खौफनाक हादसे हो रहे हैं। अगला देखिए बहुत बड़ी अपडेट, कोहरा से दोस्तों अनेकों लोगों की मौत हुई है। तो आज भी बताया जा रहा है कि आज भी घना छोरा मतलब घना जो कोहरा है वो छाया रहेगा। और देखिए 3 फैक्ट्रियों का ताला तोड़ 10 लाख उड़ाए, ये सेक्टर 63 ए ब्लॉक का मामला है, जहां पर 3 फैक्ट्रियों का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए उड़ा लिए गए हैं। ये मंगलवार करीब रात 12:30 बजे की घटना है। सेक्टर 63 स्थित एक बिल्डिंग में संचालित 3 फैक्ट्रियों का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए चोर ले गए। कब्जा लेने पहुंची टीम का किया विरोध, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन पर कब्जा लेने पहुंची प्रशासन की टीम को बुधवार को किसानों के सामने विरोध का सामना करना पड़ा। त्यानपुर गांव में किसानों ने जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। किसानों के विरोध को देखते हुए टीम कब्जा बगैर वापस लौट गई। उल्लेखनीय है कि जिन किसानों ने जमीन का मुआवजा नहीं उठाया है उनकी मुआवजे की धनराशि प्रशासन ने भूमि अर्जन पुनर्वास व्यवस्था ये सभी के दोस्तों उनके सरकारी खाते में जमा कर दिए हैं। पुलिस ने बच्चों की स्वजन से मिलाया, देखिए अपहरण हुए बच्चे को स्वजन से मिला दिया है, धनकौर कोतवाली का मामला है। अगली अपडेट है दोस्तों, पुलिस ने जेवर चौराहे से अतिक्रमण को हटवा दिया है। जेवर पुलिस ने बुधवार को जेवर मुख्य चौराहे से दुकानों के सामने हो रहे अतिक्रमण को हटाया है, ठीक है। जेवर कोतवाली प्रभारी अजय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। अगली अपडेट देते हैं दोस्तों, क्लस्टर रूम के रूप में विकसित होगा सेक्टर, जो सेक्टर है दोस्तों वो क्लस्टर के रूप में विकसित किए जाएंगे। ये बड़ी अपडेट है ग्रेटर नोएडा से, ठीक है। अगली बड़ी अपडेट देखते हैं दोस्तों, बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ग्रेटर नोएडा में जो बिजली चोरी कर रहे हैं दोस्तों उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। वहाँ पर बिजली की चोरी ज़्यादातर हो रही है, तो बिजली की चोरी को रोकने के लिए वहाँ पर दोस्तों जो ये सुविधा है बिजली की चोरी रोकना के रोकने की ये दोस्तों एक इसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गश्त ने नए ही रोशनी के कोई इंतजाम, देखिए ना तो ग्रेटर नोएडा में कोई गश्त के जैसे कि पुलिस गश्त लगाती है और ना ही दोस्तों रोशनी का कोई इंतजाम है। सामने सड़क आपको दिखाई दे रही है, इस समय मतलब वहाँ पर ना तो रोशनी है और ना ही कोई भी इंतजाम है किसी और अन्य बात का। जेवर एयरपोर्ट दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के लिए बोला गया है मेट्रो की 2 लाइनें बनाई जाएंगी, ठीक है। 14 किलोमीटर का लंबा ये दोस्तों रूट रहेगा और ये बोटैनिकल गार्डन से मेट्रो को मतलब जोड़ा जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। चलिए यमुना सिटी में फूड पार्क बनाने से किसानों के दिन बहुरंगे, तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, यमुना सिटी में फूड पार्क बनाने से किसानों के दिन बहुरंगे ये बताया जा रहा है। देखिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाले फर्टिलाइजर के फूड पार्क में जेवर क्षेत्र के किसानों का कच्चा माल इस्तेमाल किया जाएगा। इसके शुरू होने से किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए आ रही है। कोरोना वायरस चला हुआ है उसके लिए लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए चीन में फैला हुआ था कोरोना वायरस, तो उसके लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए चलिए मैं यहाँ आपको दोस्तों और भी अभी अपडेट देना चाहूँगा और भी आपके आसपास की, गैंगस्टर एक्ट में फरार 2 इनामी बदमाश, तो ये मामला है दोस्तों ग्रेटर नोएडा का। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित था।
देखिए, महिला हिंसा की शिकायत के मामले में गाजियाबाद 5वें स्थान पर रहा। महिला हिंसाओं की मतलब जो महिला की हिंसा की जो शिकायतें होती हैं उसके मामले में गाजियाबाद 5वें स्थान पर यहाँ पर रहा है। चलिए, ये थी दोस्तों आप सभी के लिए 10 बड़ी अपडेट्स।